फर्स्ट नहीं करे, कोई टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं करा, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? तो मैंने आपको लेसन में कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ ट्रू फॉल्स बनाए हैं, तो मैं आपको वो बता रही हूँ, तो आप उसको कॉपी में जीके की एक छोटी सी पतली कॉपी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे और लर्न करेंगे. इज दैट ओके? आर यू अंडरस्टैंड? आपको एक अलग कॉपी बनानी है और उसमें आपको लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले वन वर्ड आंसर आपको मैं, आपने जो पढ़ा है उसमें से मैं आपको पूछूंगी वन वर्ड आंसर. तो WHAT वॉट, IS इज, THE द, NAME नेम, OF ऑफ, इराक IRAQ इराक करेंसी. इराक की करेंसी क्या है? हमने करेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है, तो करेंसी है उसकी दिनार. आंसर लिखेंगे दिनार, DINAR दिनार, ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की करेंसी क्या है? ये करेंसी वाले चैप्टर में है गर्ल्स, तो फिनलैंड की करेंसी होती है यूरो. आंसर में हम लिखेंगे यूरो, EUR O यूरो. फिर नेक्स्ट है, इजिप्ट की करेंसी क्या है? तो इजिप्ट की करेंसी है पाउंड. क्या है गर्ल्स? पाउंड. जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी चलती है, कहीं दिनार, कहीं यूरो, कहीं पाउंड, कहीं डॉलर, तो ये इजिप्ट की करेंसी है पाउंड. अब हम कैपिटल पे चलते हैं. हमने कैपिटल वाला भी चैप्टर पढ़ा है कि कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है. तो सबसे पहले हमें, यू नो वेरी वेल, यू शुड नो, हमें पता ही होना चाहिए कि हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है. तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. डोंट फॉरगेट, हमारे कंट्री की कैपिटल है दिल्ली. क्या है? दिल्ली. फिर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. इंडिया हमारी कंट्री है और मध्य प्रदेश जो हम स्टेट में रहते हैं, हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. क्या है गर्ल्स? भोपाल. तो आपको बस ये छोटी छोटी स्पेलिंग लर्न करनी है. नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ जापान. जापान की कैपिटल क्या है? जापान कंट्री है और उसकी कैपिटल है टोक्यो. क्या है गर्ल्स? टोक्यो. तो ये जो मैंने आपको वन वर्ड आंसर दिए हैं, आप पूरे क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर को 3-3 टाइम्स लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ नॉर्वे. हमने इंडिया की कैपिटल देखी, एमपी की कैपिटल देखी, जापान की कैपिटल देखी, अब है कैपिटल ऑफ नॉर्वे. देखिए ये सब कैपिटल ही चल रही है. कैपिटल नॉर्वे की है ओस्लो, OSLO ओस्लो. फिर है फ्लावर्स लुक्स लाइक अ डांसिंग गर्ल. हमने एक फ्लावर वाला चैप्टर भी पढ़ा है, उसमें कोई डांसिंग गर्ल है, कोई मंकी जैसा दिखता है ना? तो डांसिंग गर्ल जैसा फ्लावर का नाम क्या है? इम्पेटेनियस बेकुरेटी. आपको ये स्पेलिंग लर्न करनी होगी गर्ल्स, इम्पेटेनियस बेकुरेटी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ लिफ्ट. Can you alone? यदि हम कहीं गए हैं, आप छोटे हैं, आप अकेले लिफ्ट में आपको जाना चाहिए क्या? नो. क्योंकि आपको आइडिया नहीं है लिफ्ट कैसे चलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सेफ नहीं है. आप छोटे हैं तो डोंट बी यूज व्हेन यू अलोन, आपको यूज नहीं करना है. तो आंसर हम क्या लिखेंगे? नो नो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली एक्टिविटी शुड बी इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स. हम जो भी काम करते हैं वो हमको हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए. यस, हम जो भी काम करते हैं, अभी तो आप गर्ल्स स्कूल नहीं आ रहे हैं, पर जब आप स्कूल आते हैं तो हमको, हम खेलते हैं, हमने क्या स्टडी की है, वो हमको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. यस, आंसर आएगा यस. फिर हम मेप वाले चैप्टर पर आते हैं. ड्रॉ अ मैप ऑफ जापान. आप यदि बुक है आपके पास तो आप जापान का मैप देखेंगे. वो बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है और ये सर्कल मरून कलर का है. विच कलर? मरून कलर. जो आपकी मम्मी बिंदी लगाती है ना, दैट इज मरून कलर. तो आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है, ये मैप ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर बना के उसमें एक छोटा सर्कल और उसको कलर करना है.
फिर ड्रॉ द मैप ऑफ जर्मनी, अब ये हमने जापान का बनाया, अब दूसरा हमको मैप बनाना है। मैप यानी जैसे हमारी कंट्री का फ्लैग है जो हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर यूज करते हैं, ट्राई कलर में है हमारा ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, ऐसा है। ऐसे सब कंट्री का अलग अलग होता है, तो ये जर्मनी का है, वही आपको एक स्क्वायर बनाना है और सबसे उसमें 3 पार्टीशन करने हैं। सबसे पहला ब्लैक है, सेकंड रेड है और थर्ड में येलो कलर करना है। लास्ट वन है, हमने एंडेंजर्स एनिमल्स भी पढ़े हैं, जो हमारी भारत के एनिमल्स हैं, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो उनके हमको किसी दो के नाम लिखना है। तो मैंने पहला लिखा है ब्लैक बक, काला बारासिंगा, और दूसरा है रेड पंडा, आरईडी रेड, PANDA पंडा। आप आंसर को 2 to 10 लिखेंगे, जीके की कॉपी में लिखेंगे